तो आज हम लोग आ चुके हैं सरकारी नर्सरी में, जो रोहिणी सेक्टर 21 में है, सॉरी सेक्टर 11 में है। ठीक है, सरकारी नर्सरी। यहाँ पे आपको सीजनली जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी मिलेंगे, प्लस श्रब्स जो होते हैं अपने वो भी मिलेंगे। ठीक है, और मतलब फ्री नहीं है, पर नॉर्मल मार्केट से कम मिलता है यहाँ पे। ठीक है, मेरी मम्मी भी आई हुई हैं यहाँ पे, तो मैं और मेरी मम्मी आए हैं यहाँ पे कुछ फल क्या बोलते हैं पौधे खरीदने। तो देखते हैं हमें कौन कौन से पौधे मिलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं हम लोग साथ साथ में। ठीक है, तो ये इस पार्क का नाम है कर्नल प्रेम सहगल पार्क। ठीक है, उनके नाम पे पार्क है और ये TDA का है। ठीक है, तो यहाँ से हम पौधे लेंगे और आप लोग दिखाएंगे हमने कौन कौन से पौधे लिए। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। ये कर्नल प्रेम सहगल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उनके नाम पे पार्क है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी चिन्ह है इस पे। ठीक है, लिखा हुआ है कि प्रेम सहगल जी का जन्म 25 मार्च 1917 को लाहौर पंजाब में हुआ था। ठीक है, और आपको आगे लाहौर पंजाब में हुआ था, इन्होंने भारतीय मिलिट्री अकादमी देहरादून के प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सहगल ने नेताजी के सैन्य सचिव के रूप में सेवाएं दी, 1945 शुरुआत तक रंगून में रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पार्क है अपना, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल डेकोरेटेड है। ठीक है, बहुत प्रकार के फूल पौधे हैं आगे, वो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। तो यहाँ पे हम पौधे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खरीद सकते हैं, आप देख लीजिए, ये DDA द्वारा है। ठीक है, हरित उसके, ठीक है, वहाँ सेल काउंटर है, तो हम वहीं जा रहे हैं और देखते हैं क्या कौन कौन से पौधे हमें मिलते हैं आज यहाँ पे। तो ये हमारा पीछे आप देख पाते होंगे पौधों का रेट लिस्ट है, सब साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। तो ये हम यहीं के उनसे पूछेंगे कि मतलब किस पौधे का क्या नाम है साइंटिफिक, आप लोग देख लीजिए रेट। ये तो है कि यहाँ पे जितने भी नर्सरी हैं सारी नर्सरियों से सस्ते दाम पे आप लोगों को पेड़ पौधे मिल जाएंगे। इंडोर प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स से बड़े छाए वाले फूल हैं, घर में सजाने वाले डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जी और फल के पौधे नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो अगर आपको वो लेना हो तो कृपया करके हम मत आइएगा, यहाँ पे वो उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं गुलाब का छोटा पौधा, लेकिन हम लोगों को मिला इसका पूरा बड़ा पेड़, आप देख लीजिए पीछे बैकग्राउंड में, ये देखिए ये पूरे गुलाब के पौधे जो पेड़ बन चुके हैं बड़े बड़े, पर हमें चाहिए था छोटा पौधा। पूछते हैं जाके यहाँ के ऑफिशियल से मिलेगा कि नहीं हम लोगों को। और यहाँ पे एक और चीज़ मिली मुझे, चलिए आप लोगों के लिए चल के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है दिस एरिया इज रिजर्व फॉर पिकॉक, यानी ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एरिया रिजर्व फॉर पिकॉक, यानी ये जो हम सामने के एरिया देख रहे हैं इधर हमारे मोर रहते हैं। तो फिलहाल तो अभी हमें कोई मोर नहीं दिख रहा है, हो सके क्या पता अंदर हो जंगल में या शाम को आते हो, अभी तो कोई नहीं है। और ये बेचारा अकेला कैक्टस खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं और कैसे कैसे पौधे मिलते हैं हम लोगों को। ये हमारी माता श्री ढूंढ रही हैं कुछ, लेकिन मिल नहीं रहा फिलहाल, होप सो मिल जाएगा जल्दी। एक ग्रीन हाउस है, अब हम इसमें जाएंगे और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पौधे हैं। आइए मम्मी। तो हम लोग एक ग्रीन हाउस के अंदर आ गए हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे मनी प्लांट है। ठीक है, ये मनी प्लांट है, ये पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं, समझ नहीं आ रहा। मेरी मम्मी का कहना है कि ये सारे मनी प्लांट की वैरायटी है, मुझे तो इतना पता नहीं, खैर पौधों के बारे में मम्मी देखती रहती है पौधों के बारे में कौन से पौधे कौन से हैं। काफ़ी सारे मोर्स के साथ है। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट है, आप लोगों को गमले के साथ यहाँ पे अगर आपको पौधा चाहिए तो गमले के साथ भी आपको पौधा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ बाहर जानवर घूम रहे हैं छोटे छोटे, तो ये कुछ ऐसा ग्रीन हाउस है हमारा। यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन हाउस है, आप लोगों को बाकी भी ग्रीन हाउस दिखाता हूँ मैं। तो हम एक और ग्रीन हाउस के आ चुके हैं, एक ग्रीन हाउस उन्होंने हमें बताया था कि जैसे ये इंडोर प्लांट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पूरे बैकग्राउंड में मेरे पौधे ही पौधे हैं हर तरह, और मेरी मम्मी आगे चल रही हैं। ठीक है,
है, पर उन्हें यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा, बोल रहे हैं यहाँ कोई पौधे ही नहीं है अच्छे जो हम लोग लगा सकें। देखते हैं उन्हें कौन सा पौधा पसंद आता है, प्लस हम लोग कौन सा पौधा यहाँ से ले जाते हैं। काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं, आप देख लीजिए गमले के साथ है, पर अब देखते हैं हम तो बाइक से आए हैं अपने, कैसे ले जाते हैं देखा जाएगा। मम्मी को एक मोर पंख पसंद आया है, तो मोर पंख वो लेती है कि नहीं लेती है, मे भी चेक करेंगे हम, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोगों ने दो तीन पौधे लिए थे, एक गुलाब का लिया था, एक अशोक के बीज लिए थे बस, और ये जो आप बोरे में देख रहे हैं हमने खाद लिया था, लीफ कंपोस्ट लिया था, उसके बाद हम अगले दिन दूसरी नर्सरी। तो आज हम पृथ्वी नर्सरी आए हैं, ये नागलोई नीलोठी रोड पे है, यहाँ पे इस नाला, इसको नाला रोड बोला जाता है। यहाँ पे क्या है कि सारी लाइन से आप लोगों को नर्सरी मिलेगी, नर्सरी ही नर्सरी है, ठीक है। मैं अगर अभी आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए मेरे पीछे कितनी अच्छी नर्सरी है, आप देख पा रहे हो, ये हमारे पृथ्वी नर्सरी, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ पूरी नर्सरी का। तो हम लोगों की नर्सरी कुछ ऐसी है, ये अंकल हैं जिनसे हम सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, और ये हम लोग मिट्टी भरवा रहे हैं थोड़ी सी, और खाद मिक्स करवा के ले जाएंगे, फिर घर पे पौधे लगाएंगे। और ये मम्मी बैठी, अंकल भी कुछ सामान खरीद के ले जाते हुए, और ये हम लोग कुछ नर्सरी, मम्मी ने इतने सारे पौधे खरीद लिए हैं। ये हमारा चीकू का पौधा है, ये कलमी आम है, ये कलमी अमरूद है, और एक गुलाब मम्मी को बहुत पसंद है, एक और गुलाब ले लिया मम्मी ने। तो यही सब है, हम लोगों ने सारे पौधे खरीद लिए हैं, ठीक है। अब बस पैकिंग करवा रहे हैं, अब यहाँ से गाड़ी बुक करेंगे और जाएंगे घर हम लोग, ठीक है, गाड़ी बुक करके जाएंगे घर। तो चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को और नर्सरी दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ी है ये जो हमारा नाला रोड है, ये क्या बोलते हैं कि फेमस है नर्सरीज़ के लिए, यहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज़ हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे विज़िट करके बहुत सारी नर्सरीज़ में जा करके आप ले सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं पृथ्वी नर्सरी में, आप लोग जो बहुत अच्छी है कलमी पौधा मिलेगा, वो भी उपलब्ध है, तो आप लोग आके खरीद सकते हैं। तो कंक्लूजन ये रहा कि लोकल नर्सरी हमें ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि वहाँ पे रेट भी हम कम करा सकते थे और ज़्यादा वैरायटीज भी उपलब्ध थे। गवर्नमेंट नर्सरी पे ये कि अगर आपको बड़े बड़े पौधे चाहिए किसी पार्क वगैरह के लिए तो आप ले सकते हैं वहाँ से, तो वो उस चीज़ के लिए बेटर है, पर आपको अगर अपने घर वगैरह के लिए लेना है तो आप जाकर लोकल नर्सरी से ले सकते हैं, और थोड़ा तोल मोल भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आप तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।